अभी होगा सर, पूछा जा रहा है, सब लग के रेडी आपको दिखाया जाएगा सर। हाँ ध्यान दे, आप सभी 1:30 बजे निश्चित रूप से अपना अपना टोली वाइज कदवार करके निश्चित रूप से मार्का लगा देंगे, ताकि चेहरा दिखाओ ना रे, फोटो कर, मीडिया साहब आए हैं, फोटो दिखा, फोटो दिखा। देखो फोटो में कितना अच्छा आ रहा है चंद्रया। सीमेंट कहाँ पे है? हम लोग का भी लीजिए सर, हम लोग का भी जीवन धन्य हो जाए। ये पासिंग आउट का तैयारियां चल रही है, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, आज जो साल भर पहले जो लड़कियां यहां पर एक आम लड़की बनकर के आई थी, आज वो इतनी सशक्त हो गई हैं कि जब यहां से गेट के बाहर आज वो शाम में जब निकल जाएंगी, तो उसमें जो आपको जो आभा, जो उनकी जो तेज आपको दिखेगी ना, ये मतलब किसी शब्द में मैं बयान नहीं कर सकती आपको। और सबसे बड़ी बात, सभी के जो परिवार के सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं, मैंने कितनों की आंखों में आंसू देखा सिर्फ इस भाव से कि मेरी बेटी आज देश, दुनिया और समाज उनका भी मान बढ़ाने के लिए यहाँ पर सजग है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इनके निदेशक हूँ और मुझे ये कार्यभार दिया गया इनको एक आम इंसान से सिपाही बनाने का। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राखी है सर। क्या है यहाँ पर? मैं यहाँ पे महिला निदेशक हूँ, इनकी इंस्ट्रक्टर हूँ मैं। कौन सा चैनल है सर? यहाँ पर पारण परेड का तैयारी चल रही है और ये जितने भी बटालियन के लड़कियाँ हैं, ये अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अभी जो आपने ये देखा है, ये लड़कियाँ इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये अपने इस पेंटिंग के जरिए, अपने इस पेंटिंग के जरिए इस पूरी दुनिया को बताना चाहती हैं कि लड़कियाँ घर में चाकू, छोलनी, खुरपी, बच्चों को संभालते हुए बंदूक भी चला सकती हैं और पूरे दुनिया को बता सकती हैं कि नारी अब अबला नहीं है, लाचार नहीं है। तो यही एक परिचय है। आप जब इसके पूरे तस्वीर को देखिएगा तो इन सभी की आभा आपको दिखाई देगी कि ये क्या कहना चाहती हैं अपनी तस्वीरों के माध्यम से, कि घर भी संभाल सकती हैं, बाहर भी संभाल सकती हैं और हर रूप में ये कारगर है। तो ये क्या चीज़ बन रहा है? ये एक मंजूसा पेंटिंग है, इसके जरिए हम लोग दिखा रहे हैं कि एक लड़की है ये सेल्फ डिपेंड है और ये झंडा को लहराते हुए ये देश को दिखा रही है कि ये देश रोशन कर रही है। ये बिहार का नक्शा है साइड से ये वाली, और ये लड़की है साइकिल के जरिए और यहाँ पे ये झंडा रखा हुआ है, ये लहराते हुए दिखा रही है बिहार को कि ये झंडा लहरा रही है। इसे क्या संदेश मिलेगा?
यही सब बिहार की लड़कियाँ कितनी है, सेल्फ डिपेंड है और लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती है, जोड़ नहीं है। हाँ, और ये जो है ना बिहार के क्षेत्र में पहनती है जो कि किसी क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है और ये शिक्षा को अग्रसर कर रही है। एक साइकिल को दर्शाते हुए और झंडे को और हाथ में किताब लिए हुए। कहाँ से आप आई हैं? हाजीपुर से। आपकी बच्ची इसमें ट्रेनिंग करती थी, तो कैसा लग रहा है ये जो पेंटिंग जो बन रहा है अभी, रंगोली कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी बेटी पर क्या गौर है? हाँ, गौर है। क्या नाम पड़ेगा? नीलू कुमार। आज मैं महिला बटालियन का पासिंग आउट है और पूरे फील्ड को, पूरे ग्राउंड को सजाया जा रहा है रंगोली से, क्या कहेंगे आप? कमांडेंट साहब का आदेश है, पूरा रंग से यह ग्राउंड भर जाना चाहिए। उसका अनुसार प्रशिक्षण प्रभारी कमल नारायण सिंह का नेतृत्व में ये पूरा रंगोली बनाए, सब प्रशिक्षु इसी में लगे। कितने दिन तक ये ट्रेनिंग चला? ट्रेनिंग करीब 9 महीना तक चला अभी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा सुरेश बाबू। आज आप लोग का पासिंग आउट है और पूरे फील्ड को एक दुल्हन की तरह सजाने में लगी हुई हैं, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आज पासिंग आउट है, 9 महीने के बाद इसी दिन का इंतजार था हम लोग को और ये दिन आज आ गया। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसी बात का, रंगोली बना रहे हैं। ये हमारा निशान परेड का जगह है, यहाँ पे हमारे साथ स्कॉट है, वो निशान पार्टी हम लोग हैं, वो झंडा लेके आएंगे, यहाँ पे काम करेंगे और एक के हाथ में राष्ट्रीय झंडा, एक के हाथ में विभाग का BMP-2 का झंडा होगा और हमारे सारे जो परेड कर रहे हैं सिपाही लोग वो निशान को छूते हुए, झंडे को टच करते हुए अब पारण परेड की कसम खाएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे कि आज से हम लोग सिपाही हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रिया कुमारी। कहाँ के रहने वाले? बोध गया 20/17। आज पासिंग आउट है और इस फील्ड को बाखूबी सजाया जा रहा है रंगोली से, तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोग का, आज लास्ट दिन है? आज हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि रंगों से देख रहे हैं पूरा ग्राउंड सजाया जा रहा है और आज से हम लोग अपने वाहिनी लौट जाएंगे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, ड्यूटी पर अच्छे से बने रहेंगे और अनुशासन के साथ अपनी ड्यूटी करेंगे।
जरूर सर, ग्राउंड के आसपास हो तो मंच पाने का कष्ट करें, जरूर सर। हाँ ध्यान दीजिए। हेलो 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 हेलो